हम लाते हैं टॉक शोज और अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट सिर्फ यूट्यूब पर। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। सब्सक्राइब कीजिए और हम आपको लिए चलेंगे आपकी फेवरेट वीडियो की तरफ। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम, मैं हूं उमर इमरान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल यंग एजुकेशन सिस्टम। आज की वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं करंट अफेयर के हवाले से, क्योंकि अभी इंटरव्यू हो रहे हैं पंजाब पुलिस, एएसएफ, पाक नेवी, पाक आर्मी, एयरफोर्स, यानी कि पाकिस्तान के अंदर अभी जॉब्स के काफ़ी सारे डिपार्टमेंट के अंदर इंटरव्यू भी हो रहे हैं, टेस्ट भी हो रहे हैं। जैसे कि पिछले दिनों वीक हुआ था, असिस्टेंट का हुआ है, एंटी करप्शन में हुआ है, अब अगले वीक मेरा अपना खुद का भी है, पंजाब पुलिस के अंदर जूनियर क्लर्क का, डेटा एंट्री ऑपरेटर का। इस तरह मुख्तलिफ डिपार्टमेंट के अंदर इंटरव्यू भी हो रहे हैं, टेस्ट भी हो रहे हैं, तो उनके उसके अंदर जो है करंट अफेयर जो है वो लाजमी आता है। पाकिस्तान का जो करंट अफेयर है, मौजूदा हालात है, मौजूदा कैबिनेट है जो शहबाज शरीफ की, उसके हवाले से लाजमी एक दो सवाल आते हैं। तो आज की ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर मुकम्मल जो शहबाज शरीफ की कैबिनेट है, इसके मुकम्मल मेंबरान के नाम जो है वो मैं और उनकी जो डिटेल है यानी किस अहदे पर फायद है वो सारी बताऊँगा। तो आपसे गुजारिश है, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का भी इजहार लाजमी करना है। तो आइए जी, हम चलते हैं अपनी वीडियो की जानिब। तो अब अपने लैपटॉप की या मोबाइल की स्क्रीन पे आप एक साइड पे देख सकते हैं कौन सा वजीर कहाँ पे है। तो पहले तो मैं जो है आपको बता दूँ, ये जो कंपोजिंग है ये मैंने खुद की है, ये सारा मैंने लिख दिया। करंट अफेयर मे की जगह अब मैं सॉरी यहाँ पर जो है डेट चेंज कर देता हूँ, जून है, ये जो है जिस डेट का है वो मैं कर दूँ, क्योंकि अभी जून चल रहा है तो जून ही आएगा। तो इसकी डेट जो है वो जून ही हो गई। न्यू कैबिनेट ऑफ 2022 शहबाज शरीफ की जो कैबिनेट है, पहला मिनिस्टर कौन सा? डिफेंस मिनिस्टर जो है वो आपका ख्वाजा साद रफीक है। नंबर टू पे हैं तो मिनिस्ट्री ऑफ प्लानिंग डेवलपमेंट एंड स्पेशल इनिशिएटिव मिस्टर एहसन इकबाल चौधरी। फिर जी इंटीरियर मिनिस्टर यानी वजीर दाखला तो राना सनाउल्ला। फिर मिनिस्टर ऑफ फेडरल एजुकेशन एंड प्रोविंशियल ट्रेनिंग राना तनवीर हुसैन। फिर बात करें तो इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग तो मिस्टर मरियम औरंगजेब। फिर मिनिस्टर ऑफ रेलवे एंड एविएशन ख्वाजा साद रफीक। मिनिस्टर ऑफ वाटर एंड रिसोर्स सैयद खुर्शीद शाह। फिर बात करें मिनिस्टर ऑफ कॉमर्स की तो सैयद नदीम कमर। फिर बात करें हम मिनिस्टर ऑफ क्लाइमेट चेंज की तो मिसेज श्री मिदारी। तो यहाँ जी ये आर लगा देते हैं, ठीक है। उसके बाद मिनिस्टर ऑफ नेशनल हेल्थ सर्विस रेगुलेशन एंड कोऑर्डिनेशन तो अब्दुल कदीर पटियाल होता है, पटेल है। फिर आगे बात करें तो मिनिस्टर ऑफ एविएशन एंड सोशल सोसाइटी तो शादिया मारी। फिर मिनिस्टर ऑफ ओवरसीज पाकिस्तान एंड ह्यूमन रिसोर्स डिवेलपमेंट तो साजिद हुसैन तूरी। फिर बात करें हम तो मिनिस्टर ऑफ इंडस्ट्रीज एंड प्रोडक्शन सैयद मुर्तजा अहमद महमूद। उसके बाद मिनिस्टर ऑफ ह्यूमन राइट तो एहसान और रहमान मदारी। फिर बात करें मिनिस्टर ऑफ प्राइवेटाइजेशन तो आबिद हुसैन भयो। मिनिस्टर ऑफ कम्युनिकेशन मिस्टर असद महमूद। फिर बात करें हम मिनिस्टर ऑफ हाउसिंग वर्क तो अब्दुल वासे। फिर मिनिस्टर ऑफ रिलीजन अफेयर एंड इंटरफेथ हारमोनी मुफ्ती अब्दुल शकूर। मिनिस्टर ऑफ स्टेट एंड फ्रंटियर रीजन मिस्टर मोहम्मद तलहा महमूद। मिनिस्टर ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड टेलीकम्युनिकेशन सैयद अमीनुल हक। फिर मिनिस्टर ऑफ मैरिटाइम अफेयर सैयद फैसल अली सब्जवारी। मिनिस्टर ऑफ डिफेंस एंड प्रोटेक्शन मोहम्मद इसरार तरीन। फिर है मिनिस्टर ऑफ नारकोटिक कंट्रोल तो नवाब शाहजैन बुक्टी। फिर बात करें तो मिनिस्टर ऑफ नेशनल फूड सिक्योरिटी एंड रिसर्च तो ये हैं तारिक बशीर चीमा। फिर बात करें मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस एंड रेवेन्यू तो डॉक्टर ऐशा गौस पाशा। फिर बात करें हम नीचे मिनिस्टर ऑफ फॉरेन अफेयर तो मिसेज हिना रबानी खर। तो ये जो थे उसके बने हुए हैं जो मैंने लिस्ट बनाई थी। उसके बाद आप जानते हैं वजीर आला कौन है, वो हमजा शहबाज हैं। वज़ीर आज़म कौन है? शहबाज शरीफ है। सदर कौन है? आरिफ अलवी साहब हैं।
उसके बाद आर्मी चीफ कौन है, कमर जावेद बाजवा है। इसी तरह मुकम्मल डिटेल जो है वो आपने याद करके जानी है। तो इंशाल्लाह कमिंग सून में एक वीडियो बनाऊंगा जिसके अंदर मुकम्मल जो है ना इंटरव्यू के जनरल क्वेश्चन आएंगे, क्योंकि काफ़ी सारे लोगों ने पंजाब पुलिस के अंदर जो है वायरलेस ऑपरेटर का और यानी कि फेज बने हुए थे मुख्तलिफ फेज वन कम्प्लीट हो चुका, फेज टू के अब स्टार्ट हो रहे हैं, तो वो सारी डिटेल मैं आपको उनके जो जो सवाल है वो सारे पे आपके साथ शेयर करूँगा। तो अब तक के लिए इतना ही, अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा और जो है सपोर्ट करना नहीं भूलना, क्योंकि चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो और दोस्तों से शेयर करो। इससे फ़ायदा क्या है, इससे फ़ायदा ये है अगर आपको चीज़ मिल रही है, अच्छा अच्छा प्लेटफॉर्म मिल रहा है, ये सवाल मिल रहे हैं, तो इसको रोको ना बल्कि अपने दोस्तों से शेयर करो ताकि उनको भी फ़ायदा मिले। तो अब तक इतना ही, अल्लाह हाफिज़।